5 से 6 लाख मस्जिदें पूरे हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन नमाजियों की तादाद पर आप गौर करेंगे तो सिर्फ 2%। ईद और बकरीद में यह तादाद बढ़ के 15 और 20%। मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की संख्या 2%, 100 में सिर्फ 2 आदमी 2 मुसलमान। गौर कर रहे हैं, 30 से 35 करोड़ मुसलमान, 4 से 4.5 लाख मदरसे, 5 से 6 लाख मस्जिदें, 50 से 60 लाख उलामा। इतनी बड़ी तादाद के होने के बावजूद मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों का परसेंट 2%, जुमे में 5%, ईद और बकरे रमजान में 10%। थोड़ा सा बढ़ जाते हैं ईद और बकरीद में, यह तादाद बढ़ के 15 और 20%। ये 80% कहां गए? और 5 वक्त होने वाली नमाज में 98% मुसलमान कहां? यह मुहासिबा कौन करेगा? यह हिसाब कौन करेगा? तुम अपने बच्चों से उनकी पढ़ाई लिखाई का हिसाब नहीं कर पाते हो, नमाज और रोजे का हिसाब क्या करोगे? अल्लाह के रसूल ने हिसाब किताब बताया था, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, ना पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन 10 साल का हो तो मार मार के नमाज पढ़ने ले जाओ, अगर नहीं पढ़ता तो मारो। नबी ने तरीका बताया था, नमाज पढ़ने के लिए आदत डलवाई थी और 10 साल के बाद मारने का हुक्म दिया था, लेकिन जब बाप ही नमाज नहीं पढ़ता तो वो अपने बच्चे को क्या मारेगा? हम तसव्वुर करें, गुस्सा आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा जिंदों को आता है मुर्दों को नहीं, गुस्सा जिंदों को आता है मुर्दों को नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा कब आना चाहिए? कब? जब कोई जय श्री राम का नारा लगाए तो उसके जवाब में तुम अल्लाह अकबर का? नहीं, गुस्सा तब आना चाहिए जब आप अपने बेटे के हाथ में शराब की बोतल देखें। गुस्सा तब आना चाहिए जब रात के 12 बजे आपकी जवान बेटी बिस्तर पर लिहाफ और रजाई के अंदर मोबाइल चला रही है और फेसबुक चला रही है, एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। आपको गुस्सा आना चाहिए, आपको गुस्सा आना चाहिए कि आपकी बीवी पूरे दिन बाजार में शॉपिंग करती रही और शाम को घर आई। आपको गुस्सा आना चाहिए कि बेपर्दगी के साथ वो घर से निकली तो किसकी इजाजत लेके गई। आपको गुस्सा आना चाहिए कि आपकी बेटी स्कूल जाती है तो किसके साथ जाती है और किसके साथ आती है, उसके आने और ले जाने के लिए कौन, आपने किसको मुतय्यन किया है? अकेले अगर जाती है या मोहल्ले की चंद सहेलियों के साथ जाती है तो आपको उन मोहल्ले और गांव की चंद सहेलियों पर एतबार कैसे है, क्योंकि सहेलियां एक दूसरे की सहेली होती है। तुम मेरी मत कहना, मैं तुम्हारी नहीं कहूंगी, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओ, हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाते हैं, और घर जब पहुंचेंगे तो हम लोग एक साथ हो लेंगे, तुम हमें फला जगह पे मिल जाना। आपने अपनी बेटी को गांव की चंद लड़कियों के साथ स्कूल जाने की इजाजत कैसे दे दी? और दे दी तो आपने उसका पीछा करके कभी देखा? कभी आपने पूछा कि स्कूल से ये लड़की कितने बजे गई, हमारे घर पे कब पहुंचती है? ये हिसाब किताब कौन करेगा? मुसलमानों, तुम हिसाब किताब करने वाली कौम हो। तुम बच्चों के लिए, अगर बाप हो तो अपने बच्चों का हिसाब लो, शौहर हो तो अपनी बीवी का हिसाब लो, अगर भाई हो तो अपनी बहन का मुहासिबा करो। मुहासिबा जिंदे करते हैं, मुर्दों से हिसाब नहीं लिया जाता है, हिसाब जिंदों से तलब किया जाता है, मुर्दों से नहीं। तुम जिंदा कौम हो, हम तुमसे हिसाब ले सकते हैं। ये मदरसे में कितना चंदा हुआ है? आपने दिया है, आप हिसाब लो मदरसा कमेटी से। मदरसे कमेटी के लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक एक रुपया आपकी अमानत है, आपके बच्चों पर ही खर्च होगा, इसलिए हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब जिंदे देते हैं। हजरत उमर जब मिंबर पे खड़े हुए और नई कमीज पहनकर खुतबा देने लगे तो एक नौजवान उठा और कहने लगा, उमर खुतबा देना बंद कर, तकरीर करना बंद कर, खुतबा नहीं देने दूंगा। हजरत उमर ने कहा, क्यों, वजह क्या है? कहा, पहले इस बात का हिसाब दो, ये नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? तुम्हारी तनख्वाह बैतुल माल से इतनी नहीं है कि तुम नई कमीज सिला सको, आज नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? हजरत उमर कहने लगे कि इसकी सफाई मेरा बेटा देगा।
हजरत उमर फारूक का बेटा उठता है, सफाई पेश करता है कि बैतुल माल में जो चादरें आई थी वो सारे मुसलमानों में तकसीम होना थी, एक एक चादर सबको मिली, मेरे बाप को भी एक चादर मिली, मेरे बाप ने उसी चादर की कमीज बनवा ली है। नौजवान खड़ा होता और कहता अमीरुल मोमिनीन एक एक चादर सबको मिली थी, मुझे भी मिली थी, मैं दर्जी के पास गया था, टेलर के पास गया था, मैंने अपना माप दिया, उस चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे ज्यादा लंबे हो, हमसे ज्यादा चौड़े हो, हमसे ज्यादा लंबे चौड़े हो और मोटे तंदुरुस्त भी हो, फिर तुम्हारी एक चादर में कमीज कैसे बन गई? उनके बेटे ने खड़े होकर जवाब दिया नौजवान एक चादर मुझे भी मिली थी, सबको एक एक चादर मिली थी, मेरे बाप को भी मिली, मुझे भी मिली, सबको एक एक मिली तो उसमें मुझे भी मिली, मेरे बाप की अपनी चादर में जब कमीज नहीं बनी तो मैंने अपनी चादर भी अपने बाप को दे दी, मेरी और अपनी दोनों कमीजें मिलाकर मेरे बाप ने दोनों चादरें मिलाकर कमीज बना ली। नौजवान कहने लगा बैठ गया अमीरुल मोमिनीन अब मुझे इत्मीनान हो गया, अब मैं सेटिस्फाई हो गया, अब आप खुतबा दीजिए। जिंदा लोग हिसाब लेते हैं और जिंदा लोग हिसाब देते हैं, ना हिसाब लेने पर गुस्सा होना चाहिए ना हिसाब देने पर गुस्सा होना चाहिए, हिसाब जिंदे लेते हैं हिसाब जिंदा देते हैं, गुस्सा जिंदों को आता है मुर्दों को नहीं। हम नहीं कहते कि गुस्सा दबाओ, हम नहीं कहते कि गुस्से को तुम पी जाओ, हम कहते हैं गुस्सा उठाओ, गुस्सा उभारो, गुस्सा निकालो, भड़ास निकालो, लेकिन जायज जगह पर, नाजायज जगह पर नहीं। अल्लाह के नबी को भी गुस्सा आता था और गुस्सा इतना आता था कि आपकी आंखें सुर्ख हो जाती थी और ऐसा लगता था जैसे किसी ने अनार का जूस किसी ने नबी अकरम की आंखों में डाल दिया हो, इतना गुस्सा आता था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन नाजायज बात पर नहीं, जायज बात पर गुस्सा आता था। आज दुनिया की कौमें आज हमारा मजाक उड़ाती हैं और हम मुश्तइल हो जाते हैं, यहां गुस्सा नहीं आना चाहिए। मसलन अभी कुछ दिनों पहले एक आदमी ने इस्लाम को बहुत बदनाम किया, कुरान को लेकर बहुत बातें कहीं, हमारे नबी को लेकर बहुत बातें कहीं, लेकिन हम नहीं समझ पाए कि वो सारी बातें कहने के पीछे कौन है, हम नहीं समझ पाए वो बातें कह नहीं रहा उससे कहलवाई जा रही हैं और कौन कहलवा रहा है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन हम ना नाम ले रहे हैं ना आपको बताना चाहते हैं और ना नाम लेना चाहते हैं। मंसूबे क्या हो रहे हैं? गुस्सा आना चाहिए लेकिन जायज जगह पर, नाजायज जगह पर नहीं। एक आदमी को साथ मिला सरकार का, गवर्नमेंट का, और उस आदमी ने कुरान का मजाक उड़ाया, हमने उसको नंगा किया। एक आदमी जय श्री राम के नारे लगाकर हमें उकसाता है, हमें मुश्तइल करता है और हम भी उसके जोश में आ जाते हैं और हम भी उसके अपोजिट दूसरे नारे लगाते हैं। अरे यही तो वो चाह रहा था, आपने जो चाह रहा था आपने उसके मकसद को पूरा कर दिया, आपने उसके मकसद को पूरा कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना था। नहीं, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में उनका कुछ नहीं होगा। एक है ना डासना का पंडित, डासना का, अरे उत्तर प्रदेश में डासना नाम की एक जगह, वहां का एक पंडित है ना, कितना भड़काता है, कितना बरगलाता है, टीवी एनडीटीवी ने तो बाकायदा दिया कि अभी तक जेल में क्यों नहीं गया, देखिए कितना बरगलाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि जो आदमी हमें बरगलाए हम भी उस वैसा ही जवाब दें, कोई जरूरी नहीं है मेरे भाइयों। शॉर्टकट में एक जवाब दे दूं आपको, अकलमंदी ये नहीं है। अगर कोई पागल कुत्ता मेरे पैर में काट ले, जर्जीस को अगर कोई पागल कुत्ता काट ले तो क्या जर्जीस भी उस पागल कुत्ते को काटे? बताइए तो क्या ये अकलमंदी होगी? अगर कोई पागल कुत्ता काट लिया हमारे पैर में, अब जर्जीस को गुस्सा, कमीने तूने काटा, पकड़ पकड़ पकड़ो, हम भी काटेंगे, पकड़वाया और काट रहे उसको, तो उससे बड़े पागल तो हम हो गए। तो कुछ लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, किस नशे में हो चुका है? उनके साथ पुलिस की ताकत है,
उनके पास एसएसपी और डीएम की ताकत है, उनके पास हुकूमत की ताकत है। वो जानते हैं हम कुछ भी कह देंगे हमारा कुछ नहीं होगा। इस नशे में, हुकूमत के नशे में, पुलिस और एसपी और डीएम के ताकत के नशे ने उनको पागल कर दिया है। वो हमें वरगलाएंगे। अकलमंदी यह है कि उनके वरगलाने में हम ना आए। हाथी का काम होता है खामोशी के साथ चलते रहना, और कुत्तों का काम होता है भौंकते रहना। अगर हाथी भौंकने वाले कुत्तों को पीछे मुड़ के देखने लगा तो हाथी जिस मंजिल पे जाना चाहता नहीं पहुंच पाएगा। हाथी चलता रहता है, वो जानता है कि ये कुत्ते हैं, इनकी आदत भौंकने की है। भौंकते रहेंगे, थक जाएंगे, खुद ही छोड़ देंगे। इन भौंकने वाले कुत्तों को उनकी हालत में छोड़ दो। हम भौंकने वाले कुत्तों का नाम भी ले देते, लेकिन इन यूट्यूबर वालों की वजह से नहीं ले रहे हैं। आप समझ जाओ, और जिसने इन भौंकने वाले कुत्तों को समझ लिया वो पूरी तकरीर समझ गया। समझ लो कि वो कामयाब हो गया। मेरे भाइयों, ये यूट्यूबर वाले तुम्हें समझने नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने तुम्हें समझा दिया इशारे इशारों में। जो इन भौंकने वाले कुत्तों को समझ जाए वो पूरा जलसा समझ गया, और समझ लो कि मुखिया जी के कराए हुए जलसे को आपने कामयाब कर दिया। मेरा इशारा समझ जाओ, भौंकने वाले कुत्ते कौन हैं, और हाथी बनने की कोशिश करो, खामोशी के साथ चले जाओ, और भौंकने वाले कुत्तों के भौंकने का जवाब मत दो। यही तुम्हें इस्लाम ने सिखाया है। अपनी आदत बदलो, वरना काटे जाओगे और मारे जाओगे, पकड़े तुम ही जाओगे। आपको मालूम है, एक तालाब पर बह रहा था एक नदी, ऊपर पहाड़ से एक नदी के पानी इधर से आ रहा था, नदी बह रही थी, और जहां से पानी बह रहा था वहां शेर पानी पी रहा था, और दूसरी तरफ बकरी पानी पी रही थी। मैं तुम्हारे हालात बतला रहा हूं, सुनो, इशारों में बतला रहा हूं, समझ लो। उधर पानी शेर पी रहा है, इधर पानी बकरी पी रही है। पानी शेर की तरफ से बहता हुआ आ रहा है, और बकरी, मोबाइल अपना बंद करो, मुझे मालूम है आजकल भंगियों चमारों के पास भी मोबाइल होते हैं, बंद करो यार, टूटू हो रही है यार। रात के 2:22 पर किसका फोन आ रहा होगा, सोचो तो, थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा। जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो मैं उसका हेडमास्टर रह चुका हूं, ये सब मत बताओ। यहां से सुनिए, जहां से शेर पानी पी रहा है इधर बकरी पानी पी रही है, तो शेर ने, दोनों ने एक साथ मुंह लगाया। शेर को तो बहाना चाहिए था, शेर ने कहा, बकरी तूने मेरे पानी को झूठा क्यों किया? अब देखो उल्टा बोल रहा है, जबकि पानी शेर झूठा कर रहा है, और पानी शेर की तरफ से बहता हुआ बकरी के पास आ रहा है। शेर का झूठा पानी बकरी पी रही है, लेकिन शेर ने बकरी से क्या कहा, तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? बकरी कहने लगी, जंगल के राजा, मैंने कहां झूठा किया है, पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, आपका झूठा पानी मेरी तरफ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। बकरी का ये जवाब सुना शेर ने तो कहा, अच्छा मुंह भी चला रही है, मुझसे बहस भी कर रही है, आया और मारा पंजा और फाड़ दिया बकरी को और खा गया। ये सूरत हाल है तुम्हारी और हमारी। अगर हम जायज बात भी करेंगे तो पकड़ी जाएगी, और वो नाजायज बात भी करेंगे तो नहीं, क्योंकि पावर है, नशा है। नशा उतरता अच्छे अच्छों का उतरा तो तुम्हारा क्या है? फिरौन का उतरा, कारून का उतरा, नमरूद का उतरा, हिटलर का उतरा, तुम्हारा भी उतरेगा। जाओगे कहां? नशा उतरना है आज नहीं तो कल। और राहत इंदौरी ने कभी कहा था, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। यूपी में हवा बदल रही है, हालात किस तरफ जा रहे हैं हमें मालूम है, बस जरूरत है अकलमंदी से काम लेने की। बिहार वालों ने थोड़ी सी गलती कर दी, आज बीजेपी और जनता दल यू की गवर्नमेंट बन गई। वो गलती कहां है उस तरफ हम इशारा नहीं करना चाहते।
बंगाल वालों ने उस गलती को नहीं दोहराया तो आज पैर उखड़ गए। इसी फर्क को अगर यूपी के मुसलमान समझ लिए तो इंशाअल्लाह उधर की फिजा भी बदल जाएगी। मेरे भाइयों, जरूरत है अक्ल और शऊर से काम लेने की। ये नहीं देखना है हमारा कौन तुम्हारा कौन, ये देखना है कि हमारा कम नुकसान किसमें है और ज्यादा नुकसान किसमें है। इस चीज की जरूरत है आज। आपको मालूम है, अपने अंजाम से बाखबर रहिए। एक मिसाल और देता हूं, बड़ी अच्छी मिसाल है। एक शेर सुनिएगा मिसाल। ए भैया बैठ जाओ, ए चाय वाले बैठ जाओ, बहुत बिक चुकी है तेरी चाय। बड़ी अच्छी मिसाल है, जरा देखिए। एक जंगल के अंदर शेर भी शिकार के लिए निकला, भेड़िया भी शिकार के लिए निकला और लोमड़ी भी शिकार के लिए निकली। शेर, भेड़िया और लोमड़ी तीनों ने शिकार किया और तीनों ने एक एक शिकार कर लिया। शेर ने हिरन मार दिया, भेड़िए ने बकरी का शिकार किया और लोमड़ी ने खरगोश का शिकार किया। शेर ने कहा भेड़िए से, तुम तकसीम कर दो, बंटवारा कर दो, कौन किसका हिस्सा है, कौन क्या खाएगा। देख रहे हैं, शेर तो राजा होता है, मतलब पावर में। शेर का मतलब आप दिमाग कहीं और ले जाइएगा, मैं नाम नहीं लूंगा इन कमीनों की वजह से। कितना मजबूर कर दिया है आपने, सोचा आपने, अंदाजा लगाया कितना मजबूर कर दिया आपने मुझे। तो सुनो, शेर जब मैं बोलूं तो कुछ और सोचना, मैं नाम नहीं लूंगा। तो शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी का शिकार किया और लोमड़ी ने खरगोश का। शेर ने कहा, मतलब पावरफुल, भेड़िए से कहा इंसाफ कर दो, फैसला कर दो, कौन क्या खाएगा। भेड़िए ने कहा बहुत आसान है। कहा क्या? कहा हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैं ले लेता हूं, लोमड़ी खरगोश ले लेगी। शेर को गुस्सा आया, शेर को गुस्सा आया और उस गुस्से में मारा पंजा, भेड़िए के सर अलग का अलग टुकड़े टुकड़े हो गए उसके, खत्म कर दिया उसने भेड़िए को। लोमड़ी से कहा बहन जी तुम इंसाफ करो। लोमड़ी ने देख लिया, भांप लिया। लोमड़ी ने कहा बहुत आसान है। कहा क्या? कहा तीन शिकार हैं, हिरन, बकरी और खरगोश। हिरन आप सुबह खा लीजिए, बकरी आप शाम को खा लीजिए और मुंह का जायका बदलने के लिए खरगोश को आप दोपहर में खा लीजिए। शेर ने कहा वाह, बहुत अच्छा फैसला, वाकई इतनी अकल तुम्हें किसने दी, इतना अच्छा फैसला तुम्हें किसने सिखाया। उसने कहा इस भेड़िए ने, इस भेड़िए के अंजाम ने। इतनी जबरदस्त मिसाल देने के बाद भी हमारी अकल नहीं खुल रही है, हमारी अकल। भेड़िए, लोमड़ी ने देखा खरगोश जा रहा, जाए, ये मेरा कम नुकसान है, लेकिन अगर ये हम ही को मार के खा गया तो हम ही नहीं रहेंगे तो क्या खाएंगे। अपने आप को पहले बचाओ। तो मेरे भाइयों, इस वक्त ये मत देखिए कि कौन आ रहा है, इस वक्त ये देखिए कि हमारा बड़ा नुकसान किसमें और छोटा नुकसान किसमें है। इसलिए बड़े नुकसान से बचाने के लिए छोटा नुकसान अपने आप को कर देना चाहिए अपना। इसलिए बिहार वाले बड़े नुकसान को समझ नहीं पाए, छोटा नुकसान नहीं कर सके, इसलिए दोनों नुकसान से महरूम होकर उसी बड़े नुकसान में फिर पल रहे हैं। बंगाल वालों ने लात मार दी, बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लिया और छोटा नुकसान उन्होंने कर दिया। अल्लाह उत्तर प्रदेश की आवाम को भी बड़े नुकसान से बचने की तौफीक अता फरमाए, उनको अक्लो शऊर अता फरमाए और उनको भी समझदारी से काम ले और लोमड़ी की तरह उनको भी इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वरना हाल वही होगा जो भेड़िए का हुआ, क्योंकि पावर इंसाफ तो यही था। शेर ने हिरन मारी, शेर हिरन खा ले, भेड़िए ने बकरी मारी, भेड़िया बकरी खा ले, लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा ले। भेड़िए ने फैसला सही किया, लेकिन इसके बावजूद भी उसको
हाथ जान से हाथ धोना पड़ा। अच्छा, मारा पंजा बेचारा गया, लोमड़ी से कहा तुम इंसाफ करो। उसने कहा दिन में आप सुबह में हिरण खा लीजिए, शाम को बकरी खा लीजिए, और दोपहर में अगर मुंह का जायका बदलना हो तो खरगोश का टेस्ट कर लीजिए, तीनों आपके। वाह वाह, क्या अच्छा फैसला किया। लोमड़ी से कहा लोमड़ी इतना अच्छा फैसला तुझे किसने सिखाया? सीते कहती है भेड़िए के अंजाम ने, भेड़िए ने, इसी भेड़िए से सीखा है मैंने। तो आप भी कुछ सीखिए, उत्तर प्रदेश के लोग बिहार से सीख लें और बंगाल से भी सीख लें। मिसाल भी बड़ी अच्छी हो, बड़े अच्छे मौके पर याद आ रही है। तो मेरे भाइयों, अपने अंजाम को समझने की कोशिश कीजिए। अपने हम जानते हैं हमारा इस वक्त कौन, कोई नहीं, इस बात का भी एतराफ है। हम किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं, क्या बंगाल में हमने किया था, लेकिन यह हकीकत है कि हमारा इस वक्त कोई नहीं है। आप किसी पर भरोसा करके देखें तो भरोसे के लायक कोई नहीं है। इस बात का एतराफ है कि मुसलमानों को हमेशा हर पार्टी ने ठगा है, हर जमात ने ठगा है, हर सियासी जमात ने हमारा नाजायज फायदा उठाया है। हम मजबूर हैं, लेकिन हाँ, हम अपने अंजाम को भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं। जब तक आप इन चैनलों पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, हमने नाम लेना बंद कर दिया है, क्योंकि इन चैनल वालों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मेरे ऊपर इतने केस करवाए हैं कि मैं जिंदगी में कहीं इनको माफ नहीं कर सकता। मना करने के बावजूद इन्होंने वही चीजें डाली हैं जिन चीजों से मैंने इनको रोका था। सिर्फ इनके अकाउंट में पैसा आ रहा है, चलाओ बेटा जितना चला सकते हो चलाओ, लेकिन याद रखना मरना तुम्हें भी मरना है। और मैंने अब ऐलान कर दिया है, अब जब भी कोई मुझसे जलसे की डेट लेगा तो मेरी पहली शर्त होगी कि कोई भी चैनल वाला नहीं आएगा। ये दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है, 3-4 दिन और रह गए हैं। अब जनवरी में मेरा यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं बंबई जा रहा हूँ, और फरवरी से जितने भी प्रोग्राम होंगे सबके साथ ये शर्त लग चुकी है कि कोई चैनल वाला हमारे जलसे में नहीं आएगा। आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, और धोखा एक बार दोगे बार बार नहीं। जिस जलसे में मैंने किसी चैनल वाले को देख लिया, मैं जिसको बुलाऊंगा जो मेरे लिए अच्छा होगा और मेरे मेरे कहने के मुताबिक जिस जो स्पीच जो देता उसको बस बुलाएंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे। जो मेरे कहने पर चलेगा बस वही, और वो एक दो आदमी है, इससे ज्यादा मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। ये 1 फरवरी से मैं ये कानून नाफिज कर दिया हूं। दिसंबर तक चूंकि दे चुका था प्रोग्राम, इसलिए मैं किसी को रोक नहीं पाया। याद रखिए, आज तक, आज की तारीख बता रहा हूं, अब तो 26 हो गई, 25 तारीख को ये जलसा रखा था हमारे मुखिया जी ने। 25 तारीख मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपके बिस्तर पर लेटा हूं मुखिया जी के घर, और जी हिंदुस्तान में आज भी मेरे बारे में चलाया गया, आज भी जी हिंदुस्तान मुझे दिखा रहा है, आज भी उसने यही बिहार और बंगाल की तकरीरों की कटिंग आज भी उसने पेश की है। मैंने तुम्हारा सुअरपना देख लिया है, मैं ये जुमला बोल रहा हूं, तुम्हारी आंखों में सुअर का बाल है। बहुत अच्छी तरीके से मैं समझ गया हूं, इन चैनल वालों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, तकलीफ दिल से होती है, मना करने के बावजूद इन्होंने वही हरामीपना दिखाया है, वही हरामीपना। मुझे इनके माँ बाप से पूछना पड़ेगा, ये तुम्हारी औलाद दिन में पैदा हुई थी कि रात में, तुम्हारी भी बात मानती है कि नहीं मानती है, ये मुझे पूछना पड़ेगा इनके माँ बाप से। लगता है ये जरूर रात में पैदा हुए हों, क्योंकि रात में पैदा होने वाली अक्सर औलाद मैं कानून नहीं बता रहा हूं, ना कोई मौलाना कौन सी हदीस में आया है, मैं बता नहीं रहा हूं ना, आप ये पूछें, ये इनमें अक्सर रात में पैदा हुए होंगे। तो मेरे भाइयों, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन छोड़ देता हूं, गुस्सा तो बहुत है मेरे अंदर। फिर मैंने कहा था ना, गुस्सा जिंदों को आता है मुर्दों को नहीं, मेरी इस बात को याद रखना। लेकिन वो गुस्सा अगर आया तो वो मेरा नाजायज गुस्सा हो जाएगा, उतना हमें नहीं बोलना था, इसलिए हम रोक रहे हैं अपने आप। चलिए 1 फरवरी से तुम खुद ही रुक जाओगे। तो मेरे भाइयों, मैं यही कह रहा हूं कि अपना हिसाब करो, अपने बच्चों का हिसाब करो, पूछो। आज की नौजवान नस्ल, हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां, आप बैठे हो, खामोश हो, सोचो क्या प्लानिंग हो रही है हमारी बेटियों के बारे में। कभी सोचा आपने ठंडे दिल से, कभी सोचा है आपने? सोचिए,